महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पार्षद को कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर पुणे जिले के इंद्रपुर के रूपाली लॉज में रैकेट चलाने की वजह से दर्ज की गई है। पुलिस ने पार्षद और एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। लॉज के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पालघर पुलिस नए शनिवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और 12 के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था वह उन्होंने सूचना का अधिकार के जरिए मिली सूचना का इस्तेमाल बिल्डरों को धमका कर उनसे पैसा मांगने के लिए किया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपियों में शिवसेना पार्षद सहित भाजपा और एनसीपी की युवा विंग के नेता शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने बिल्डर को ब्लैकमेल किया, इसके अलावा उसे डराने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने 2 बिल्डरों को डरा धमका कर उससे 50 लाख रुपए की मांग की थी। शिवसेना के धनंजय गावड़े ने 49 साल के एक बिल्डर से कथित तौर पर 11 लाख रुपए लिए थे।